नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे त्रिदोष के बारे में। त्रिदोष क्या होते हैं, आयुर्वेद में जो त्रिदोष बताए गए हैं ये क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं, एक तरीके से इनका परिचय पूछा गया है एमए सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है तो उसमें त्रिदोष का परिचय पूछा गया है कि परिचय बताइए, परिचय दीजिए त्रिदोष का। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो त्रिदोष जो है इसको बोला गया है त्रिदोष, वात पित्त कफ को त्रिदोष बताया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि ये जो दोष हैं, अथर्ववेद में कहा गया है कि ये जो दोष हैं ये शरीर की उत्पत्ति का कारण भी है, ठीक है। जो शरीर की उत्पत्ति हुई है वो इन दोष से हुई है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि इन दोष के बारे में, त्रिदोष के बारे में क्या क्या कहा गया है। महर्षि वाग्भट जी ने कहा है कि वायु पित्तम कफ शेति त्रयो दोषा समासता, यानी कि ये जो वात पित्त कफ हैं ये शरीर को दूषित करते हैं, इसलिए इनको दोष कहा गया है। दूसरा, चरक संहिता में महर्षि चरक जी ने बोला है कि दोषः पुनस्त्रयो वात पित्त श्लेष्माणा, श्लेष्माणा से यहाँ पर मतलब है कफ, ते प्रकृति भूता शरीर प्रो शरीरोपकारका भवन्ति विकृति मापनास्तु खलु नाना विधैर विकारे शरीर मुक्तापयन्ति। अर्थात महर्षि चरक जी ने कहा है कि जो वात पित्त कफ है अगर ये अपनी प्रकृति अवस्था में रहे, ते प्रकृति भूता शरीरोपकारका भवन्ति, अगर ये अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहे यानी कि साम्य अवस्था में रहे, प्राकृतिक अवस्था में रहे यानी कि संतुलित रहें आपके शरीर में, तो ये आपके शरीर को आरोग्य प्रदान करते हैं, यानी कि आपको एक निरोगी काया देते हैं, आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं, आरोग्य प्राप्त होता है आपके शरीर को। लेकिन अगर यही वात पित्त कफ अगर ये विकृत अवस्था में आ जाए यानी कि ये असंतुलित हो जाए तो ये आपके शरीर को नाना प्रकार के रोगों का सामना कराते हैं, आपके शरीर में नाना प्रकार की व्याधि को उत्पन्न करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ को पैदा करते हैं आपके शरीर में। दूसरे, आपके महर्षि शुश्रुत जी ने बताया है कि विसर्गा दान विक्षेपे सोम सूर्या नीला यथा धारयंती जगत देहम वात पित्त कपस्थ, यानी कि महर्षि शुश्रुत जी यहाँ पर बोल रहे हैं जैसे आपकी ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को किसने धारण किया हुआ है, इस पृथ्वी को धारण किया है वायु ने, सूर्य ने, चंद्र ने, जिस प्रकार वायु सूर्य चंद्र ने इस पृथ्वी को धारण किया है, अगर ये वायु सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी पर ना हो तो क्या जीवन होगा, वायु अगर पृथ्वी पर ना हो तो क्या जीवन होगा, सूर्य चंद्र ना हो तो क्या जीवन होगा। जैसे ही जैसे वायु सूर्य और चंद्र ने इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है, इस सृष्टि को धारण किया है, इस जगत को धारण किया हुआ है, वैसे ही आपके वात पित्त कफ ने शरीर को धारण किया हुआ है, ठीक है। वात पित्त कफ ने शरीर को धारण किया हुआ है, महर्षि शुश्रुत जी ने कहा है। अब अथर्वेद में कहा गया है, अथर्वेद में भी इसकी बात हुई है, अथर्वेद में कहा गया है कि वात पित्त कफ को धातुओं का निर्माण करता कहा गया है। अब ये धातु क्या होते हैं तो धातु भी हम आगे पढ़ेंगे, ये सब आपको पढ़ना है। अभी हम त्रिदोष के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अथर्वेद में कहा गया है कि वात पित्त कफ को धातुओं का निर्माण करता कहा गया है, कि धातु की उत्पत्ति जो हो रही है वो इन दोष से हो रही है, और साथ ही साथ शरीर की उत्पत्ति का जो कारण है वो भी हमारे दोष बताए गए हैं, ठीक है। ये जो दोष हैं, ठीक है, अगर ये आपके साम्य अवस्था में यानी कि प्राकृतिक अवस्था में आपके शरीर में है तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाती है हमारी धातु। अगर ये साम्य अवस्था में यानी कि बैलेंस्ड है, प्राकृतिक अवस्था अपनी प्रकृति के स्वरूप में है, ठीक है, तो इसको हम धातु बोलते हैं। लेकिन अगर ये हमारे शरीर को मलिन करे, दूषित करे, तब हम इसको बोलते हैं मन, क्लियर है। और यहाँ पर मैंने एक श्लोक लिखा है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, कि जो दोष है धातु है मल है यही, ये तीनों ही आपके शरीर का मूल है। तो यहाँ पर त्रिदोष की हमने कुछ डेफिनेशन आपको बताई है, परिभाषा हमने आपको बताई है। अब जानते हैं कि जो वात पित्त कफ है ये होता क्या है, इनके बारे में जानते हैं।
अब पढ़ते हैं हम त्रिदोष को, वात पित्त कफ को, इनके बारे में जानते हैं हम। अभी हमने यहाँ पर इनकी परिभाषाओं के बारे में जाना और अब हम इनको अलग अलग से समझेंगे, वात को अलग से, पित्त को अलग से और कफ को अलग से। तो वात पित्त कफ क्या है, हमने जब परिभाषाएं पढ़ी थी तो उसमें हमने जाना था कि यही आपके शरीर की उत्पत्ति का कारण है, यही आपके शरीर का मूल भी है, ये आपके शरीर को धारण किए हुए हैं, ठीक है, यही आपके शरीर की उत्पत्ति का कारण है। तो एक बार फिर से इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं और अलग अलग इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वात के बारे में जानेंगे, वात क्या है। तो वात से हमारा मतलब आता है वायु, वात से हमारा मतलब आता है वायु। और वायु क्या है, तो वायु से मतलब हम समझते हैं कि हमारा ये जो पूरा जीवन है, ये जो पूरी सृष्टि चल रही है वायु से चल रही है। अगर सृष्टि में, अगर हमारे वातावरण में वायु ना हो तो क्या हम जी पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर को वायु चाहिए। हम सभी को पता है हमें ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। हम खाना खाए बिना, पानी पिए बिना कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक जी सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना हम कुछ सेकंड्स के लिए भी नहीं जी सकते हैं। तो वायु हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अब क्या है कि आपके शरीर में वायु का स्थान पूरा है, ठीक है। अगर हम देखें, अगर हम बात करें कि इसके गुण क्या है, इसके कर्म क्या है, एक तरीके से इसके क्या काम होंगे, तो वायु का काम क्या होगा, शरीर का संचालन करना, ठीक है, शरीर को चलाना एक तरीके से। आपके शरीर में जितनी भी आपके वायु के स्थान भी बताए गए हैं, हमारे शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, अलग अलग स्थान बताए गए हैं। तो अगर ये वायु, ठीक है, तो वायु का काम क्या है, शरीर का संचालन करना, ठीक है। वायु के द्वारा ही आप बोल पाते हैं, ये जो वायु, ये जो आवाज़ आपकी निकल रही है, जो मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, तो ये जो मेरी आवाज़ निकल रही है, ये भी वायु, जो जो श्वास मैं भर रही हूँ, उसी की हेल्प से मैं अपनी आवाज़ बाहर निकाल पा रही हूँ, ठीक है। ये हम श्वसन तंत्र जब पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ एक्सीडेंटल केस ऐसे होते हैं कि जिसमें व्यक्ति क्या होता है कि जब वो श्वास लेने में असमर्थ हो जाता है, उसका डायफ्राम टूट जाता है, जिससे कि वो अपना श्वास लेने में असमर्थ हो जाता है, तो वो बोल भी नहीं पाता है। तो श्वास हमारे लिए, हमारे बोलने के लिए, तक जिससे कि हमारी आवाज़ बाहर आए, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वायु ये हमारे पूरे शरीर का संचार करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर वायु आपकी बिगड़े, ठीक है, साम्यावस्था में है तो आपके शरीर को आरोग्य प्रदान करेगी, लेकिन अगर वायु बिगड़ जाए, असंतुलित हो जाए, तो असंतुलित हो जाएगी, तो अगर ये असंतुलित होगी तो हमारे शरीर में 80 प्रकार के रोगों को ये उत्पन्न करती है, क्लियर है। अब बात करते हैं लक्षण की, तो अगर वात की कमी हो जाए, अगर ये जो वायु है जिसको हम पढ़ रहे हैं, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, अगर वायु की कमी, असंतुलित हो रही है, कम हो गई वायु शरीर में, ठीक है, तो वायु की कमी हो गई तो फिर आपको हमारे शरीर में हमें क्या लक्षण दिखाई देता है, कैसे हम वायु की पहचान करेंगे, तो मुख से लार टपकती हुई दिखेगी, अरुचि, यानी कि आपके किसी भी, आपको किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज़ में, कहीं पर भी आपका मन नहीं लगेगा, अरुचि रहेगी हमेशा, उबकाई आना, हमेशा जो भी आप खा रहे हैं सही तरीके से वो पचेगा नहीं, ठीक है। और जठर अग्नि की विषमता, यानी कि जठर अग्नि की विषमता से मतलब है कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है, जो आपके खाने पचाने की दर है, जो खाना पच रहा है, जठर अग्नि जो है आपकी, मेटाबॉलिज्म जो है, उसमें भी आपको विषमता दिखाई देगी, यानी कि वो भी आपका कभी खाना पचेगा, कभी नहीं पचेगा, इस तरीके से आपको पाचन से संबंधित समस्या भी हो सकती है। बढ़ी हुई वायु, अगर वात बढ़ी हुई है, अगर ये वात आपके शरीर में बढ़ जाए, ठीक है, तो बढ़ जाए तो इससे क्या होगा, त्वचा में रूखापन, इसका, इसकी पहचान कैसी होगी, इसकी लक्षण कैसे होगी, तो त्वचा में रूखापन, चिकनापन नहीं रहेगा, रूखापन, ठीक है, बालों का झड़ना, नाखूनों का जल्दी टूटना, अंगों का फड़कना, ठीक है, कंपन आना एक, ठीक है, बल व इंद्रियों की हानि, पेट फूलना, भय, और एक तरीके से कभी कभी हम इसमें देखते हैं कि जो शरीर रहता है वो पतला भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इस वायु के, ये जो वात हमें हमारे शरीर में मिलती है, इसके हमने यहाँ पर भेद भी बताए, यानी कि प्रकार बताए हैं कि जो आपके पूरे शरीर में वायु फैली हुई है, तो ये आपकी कौन कौन सी है, प्राण है, अपान है, उदान, समान और व्यान,
ठीक है, तो ये पांच प्रकार के हमने वायु के भेद को बताया है। फिर है आपका पित्त, यानी कि पित्त क्या है, पित्त से हमने यहाँ पर समझा है अग्नि, आपके शरीर में जो अग्नि का कार्य करेगी। ठीक है, आपके शरीर में अग्नि क्यों चाहिए, ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर बना रहे। बॉडी अगर ठंडी पड़ जाएगी तो फिर क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर अगर लो चला गया तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो हो गया, हार्ट सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है, एक जो तापमान है वो मेंटेन रहे, वो मेंटेन कब रहेगा, जब आपका पित्त बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो पित्त से मतलब यहाँ पर है अग्नि, और अग्नि हमारे शरीर में किसके काम आती है, तो खाने पचाने के, जो मूल है, जो खाना है जो पच रहा है, अगर खाना पच रहा है तो ही आप सही तरीके से ज़िंदगी को अपनी जी पा रहे हैं। अगर खाना सही तरीके से नहीं पच रहा है तो वहीं से फिर अपच, कब्ज, तरीके तरह तरह की आपको वहाँ से बीमारियाँ, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं गुण व कर्म की। तो गुण और कर्म क्या होंगे हमारे पित्त के, तो पित्त का जो कार्य होता है वो आपके खाने, जो आपकी अग्नि है, खाने को पचाने वाली अग्नियाँ, 13 प्रकार की आपकी अग्नियाँ होती हैं, तो ये क्या करता है, एक तरीके से खाने को पचाने में, नेत्रों की ज्योति में। ठीक है, तो हर तरीके से आपका जो पित्त है वो अपना शरीर में भागीदारी देता है। और अगर ये पित्त असंतुलित हो जाए तो हमें 40 प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। इससे 40 प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है, जिसमें से कि हो सकता है आपको एक या दो रोग दिखे। ठीक है, लेकिन अगर ये असंतुलित होता है तो उसमें हम 40 प्रकार के रोगों को देखते हैं। लक्षण क्या है इसमें, तो लक्षण है हमारे, लक्षण क्या होंगे, अगर पित्त कम है, अगर पित्त में कमी आ रही है, पित्त क्या है, साम्यावस्था से, जो समान अवस्था है उसकी, उससे कम हो रहा है पित्त, अगर हमको कम देखने को मिल रहा है शरीर में, तो भोजन सही तरीके से नहीं पचेगा, ये दोनों में होगा। अगर पित्त में कमी है या बड़ा हुआ है, पित्त कम है या बड़ा हुआ है, तो दोनों में ही क्या होगा, भोजन सही तरीके से नहीं पचेगा। ठीक है, अगर भोजन सही तरीके से नहीं पच रहा है तो अपच, कब्ज, एसिडिटी ये रहेगी ही रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ गैस, एसिडिटी होना और पेट का फूलना और शरीर में जकड़न रहना, नाखूनों का सफ़ेद रहना, ये आपके क्या है, पित्त की कमी के लक्षण है। अगर पित्त में कमी है तो, पित्त कम है आप शरीर में तो, अगर पित्त बड़ा हुआ है तो, पित्त बड़ा हुआ है तो क्या है, भोजन सही तरीके से नहीं पचेगा, जलन, आपको हमेशा एक जलन रहेगी आपके फूड पाइप में, एक आहार नली में आपको हमेशा एक जलन महसूस होगी, गर्मी, गर्मी ज़्यादा लगेगी आपको, नींद कम आएगी। ठीक है, त्वचा, त्वचा में पीलापन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, नींद आपको कम आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करी गई है पित्त के भेद की, तो पित्त के भेद कौन कौन से हैं, जब पित्त को हमने देखा, जैसे हमने वायु को बांटा, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, प्राण को जब हमने बांटा तो प्राण का क्षेत्र क्या बताया, प्राण का क्षेत्र बताया आपके हृदय से ऊपर की ओर। ठीक है, अपान का क्षेत्र क्या बताया, अपान का क्षेत्र बताया आपका नाभि से नीचे की ओर। उदान, उदान का क्षेत्र बताया आपका कंठ। समान, समान का स्थान बताया आपका नाभि। और व्यान, व्यान का जो स्थान है वो पूरे शरीर में बताया गया है। ऐसे ही जो पित्त के भेद हैं, इसमें भी आपके पांच प्रकार के भेद बताए गए हैं, यानी कि टाइप्स, पित्त को बांटा गया है, आपके शरीर में जो पित्त है इस पूरे पित्त को बांटा गया है, पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। तो सबसे पहले ये जो पाचक पित्त है, ये क्या है, ये आपके आमाशय में रहता है, यानी कि स्टमक में, पेट में, जहाँ पर आपका खाना सबसे पहले पहुँचता है, ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, एनाटॉमी की ये फर्स्ट क्लास है, तो धीरे धीरे जैसे एनाटॉमी के लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम सारे सिस्टम को कवर करेंगे और उसमें ये डिटेल्स को और अच्छे से जानेंगे। तो पाचक पित्त ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये रहता है हमारे आमाशय यानी कि स्टमक में और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में। ठीक है, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है और इसका काम क्या होगा, खाने को पचाने का। ठीक है, अपनी अग्नि से जो खाना आ रहा है, जैसे कि आग में अगर आप कुछ भी डालें तो वो क्या होगा, सब भस्म हो जाता है, तो उसी तरीके से इस अग्नि में जैसे आपका खाना आता है तो वो उस खाने को पचा लेता है, एक तरीके से छोटे छोटे उसको अणुओं में तोड़ देता है। दूसरा है आपका रंजक पित्त। रंजक पित्त से क्या मतलब है, एक तरीके से जो पिगमेंट होते हैं, ठीक है, जो एक तरीके से समझ लीजिए, ये पित्त आपका कहाँ रहता है, ये पित्त आपका रहता है लीवर में और आपके स्प्लिन में, ये पित्त हमको देखने को मिलता है। स्प्लिन क्या है, एक तरीके ये इसको हम प्लीहा बोलते हैं
और ये पेट के तरफ हमें देखने को मिलता है, स्टमक में हमें स्टमक के साइड में हमें देखने को मिलता है। इसको भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पित्त रंजक जो है ये लिवर और स्प्लिन में हमें देखने को मिलता है, और जिससे कि लिवर से एक बिलीरुबिन नामक एक हमारा पिगमेंट निकलता है, जिससे कि जो मल का कलर है वो हमें, स्थूल का कलर वो हमें पीला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये लिवर और स्प्लिन में प्रेजेंट रहता है और वहाँ पे अपने कार्य को करता है। साधक पित्त आपके हृदय में प्रेजेंट रहता है और क्या कार्य करता है, तो ये सात्विक भाव को उत्पन्न करता है, ठीक है। आलोचक पित्त क्या होगा, ये नेत्रों की ज्योति को सही रखता है, नेत्रों की ज्योति को बढ़ाता है। और भ्राजक पित्त ये त्वचा का जो कलर है, जो आपको चमकती हुई त्वचा दिख रही है, भ्राजक पित्त का स्थान त्वचा है और ये आपकी त्वचा को स्वस्थ रखता है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कफ की। तो कफ क्या है आपका, कफ हम सभी को देखने को मिलता है, जैसे कि कभी हमें जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, तो हम ऐसे बोलते हैं कभी कि यार इतना कफ कहाँ से आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे कफ की, यानी कि श्लेष्मा। तो कफ क्या है, कभी कभी हमें जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं कि इतना कफ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो श्लेष्मा है, ये कफ, सिर्फ यहाँ पर उस कफ की बात नहीं हो रही है जो कि आपको खांसी जुकाम के समय देखने को मिलता है, यहाँ पर उस कफ की भी बात हो रही है जो आपके शरीर में एक नमी बनाए रखता है, आपके शरीर में एक चिकनापन बनाए रखता है, ठीक है। जो आपके शरीर में एक तरीके से जो लार है, जो स्लाइवा है, एक तरीके से ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन ये सब आपके किस में आ जाती है, श्लेष्मा में आ जाती है, कफ में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कफ की। तो कफ क्या है, अगर कफ असंतुलित हो जाए तो इससे हमें 20 प्रकार के रोग को देखने को मिलते हैं, 20 प्रकार के रोग हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो कफ एक तरीके से हमारे पूरे जितने भी जोड़ हैं, ठीक है, एक तरीके से ये क्या काम करता है, ग्रीस का काम करता है, जोड़ों में ग्रीस का काम करेगा, ठीक है। एक जो ग्रीस लगाते हैं चिकनापन करने के लिए, ताकि जैसे दरवाजों में लगाई जाती है ग्रीस, जिससे कि दरवाजे आवाज़ ना करें, उसी तरीके से ये हमारे जोड़ों में प्रेजेंट रहती हैं और उनको सही तरीके से मूवमेंट देती है, ठीक है। ये क्या है आपका, श्लेष्मा है, ये क्या है आपका, कफ है, ठीक है। अगर ये आपके शरीर में बिगड़ जाए, यानी कि असंतुलित हो जाए, साम्य अवस्था से विकृत अवस्था में आ जाए, अगर असंतुलित हो जाए तो इसके क्या लक्षण दिखते हैं हमको, अगर ये कम हो जाए, कफ अगर आपके शरीर में कम हो रहा है, तो आपके शरीर में क्या आएगा, आपके शरीर के अंदर की तरफ हमें रूखापन, यानी कि रूखापन आ जाएगा, जिससे कि आपके जो शरीर के जोड़ में जो श्लेष्मा था, अब वो कम हो रहा है, कमी हो रही है ना कफ की, तो श्लेष्मा कम हो रहा है, जिससे कि आपकी जो जॉइंट मूवमेंट्स है, संधियों का जो आपकी गति है, गतिशीलता जो आप मूवमेंट दे रहे हैं, इसमें क्या होगी, जकड़न होना शुरू होगी, सही तरीके से ये मूव ही नहीं हो पाएंगे। आपने देखा होगा दरवाजों में अगर ग्रीस कम हो जाए तो दरवाजे सही तरीके से मूव नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से हमारे जोड़ भी हैं, इनको भी ग्रीस की जरूरत होती है, इनको श्लेष्म, वहाँ पर क्या है, श्लेष्म है, हमारे शरीर के अंदर श्लेष्म है, जो वहाँ पर एक चिकनापन उसको देकर रख रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये इसको क्या देंगे, एक मूवमेंट देंगे, अगर इनकी कमी हो जाए, ठीक है, अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या होगा, वहाँ पर जकड़न महसूस होने लगेगी पूरे शरीर में। अब क्या है कि पूरे शरीर में क्या है, ये जोड़ों से हड्डियों का ढांचा है पूरा, और जोड़ों के द्वारा ये जुड़ी हुई है, एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी हुई है, उसी से ही हमारा पूरा शरीर बना है, इन सभी जोड़ों से, ये सब हाथ पैरों में हमारे जोड़ हैं। अगर श्लेष्मा कम हो जाए तो जोड़ों में भी श्लेष्मा कम होगा, और फिर उससे हमें जकड़न महसूस होगी पूरे शरीर में, हमें एक स्टिफनेस, अकड़न, जकड़न महसूस होगी, ठीक है। फिर दूसरा है नींद में कमी, शरीर का फूलना, कंठ में जलन, गले में जलन रहना, ठीक है, जोड़ों का ढीला पड़ जाना, अब जोड़ों में कुछ है ही नहीं तो जोड़ों में ढीला पड़ जाना, ठीक है, और हृदय का कांपना, ये हमें कफ की कमी में दिखाई देते हैं। अगर कफ बढ़ा हुआ हो तो कफ क्या होगा, अधिक मात्रा में हमारे शरीर में देखने को मिलेगा, ठीक है। कफ ज़्यादा बन रहा है तो ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा, जिससे कि कफ ज़्यादा बनेगा, ठीक है, फिर आपको जुकाम, सर्दी, खांसी इस तरीके से रह सकती है, और आलस आपको बना रहेगा, आपके शरीर को किसी एक कफ नाम के व्यक्ति ने घेर लिया है, ठीक है। अब बहुत सारा कफ आ रहा है तो ये एक तरीके से आपके शरीर में आलस भी पैदा करेगा, ठीक है। भारीपन आपके शरीर में एक लेकर आएगा, सर हमेशा आपका भारी रहेगा, आपका पूरा शरीर भारी रहेगा, आपकी नींद में अधिकता आएगी, ठीक है। जैसे जैसे कफ
की बढ़ोतरी होगी, ये आपके श्वास में भी कमी करेगा, यानी कि आप सही तरीके से श्वास नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये आपके फेफड़ों को भी पूरा जकड़ लेगा, अच्छे से फेफड़ों में फैल जाएगा और फेफड़ों को जकड़ लेगा, जिससे कि आप सही तरीके से श्वास प्रश्वास नहीं कर पाओगे, ठीक है। और श्वास प्रश्वास कमी होगी, सर दर्द होगा, इस तरीके से यहाँ पर बड़ी हुई कफ के ये यहाँ पर लक्षण हैं। कफ के अगर भेद की बात की जाए, कफ को कितने प्रकार में बांटा गया, ये जो पूरे शरीर में कफ है ये कितने प्रकार का है, वात पित्त कफ, ये पूरे शरीर की उत्पत्ति है, पूरे शरीर में पाए जा रहे हैं, तो अब इसको भेद में, भेद यानी कि टाइप्स में हमने बांटा, जैसे कि हमने वायु को बांटा था और हमने पित्त को बांटा था, ऐसे ही हमने कफ को बांटा। तो सबसे पहला है आपका क्लेदक कफ। तो क्लेदक कफ क्या कार्य करता है, क्लेदक कफ जो है ये हमारे आमाशय में रहता है, और आमाशय में रहकर ये क्या करता है, आपके खाने को, जब आपके खाने का, जब आपके भोजन का डाइजेशन होता है, यानी कि आपका जब भोजन अलग अलग पार्ट में टूटता है, अलग अलग भागों में विभाजित होता है, तो वहाँ पर उस खाने की एक लय फॉर्म बनती है, ठीक है, जिससे कि खाना जो है ईजी वे में आसानी से आगे की तरफ पहुँच सके। तो क्लेदक कफ यानी कि उस श्लेष्मा का वहाँ पर क्या काम होगा, खाने को चिकनापन देना, एक स्मूद, एक उसको स्मूथपन देना, एक चिकनापन देना, ठीक है। तो क्लेदक कफ ये आपके आमाशय में रहता है। दूसरा है अवलंबक कफ। अवलंबक कफ जो है ये आपका रहता है आपके हृदय स्थान में, जैसे कि आपके पित्त में, ये क्या था, आलोचक साधक पित्त, साधक पित्त का काम क्या था, ये आपके हृदय में रहता है और आपके क्या करता है, तो जो आपके सात्विक भाव है उनको उत्पन्न करता है। इसी तरीके से जो अवलंबक कफ है इसका भी यही कार्य है, ये भी हृदय प्रदेश में रहता है और सात्विक भाव को उत्पन्न करता है। जो भी आप कार्य करते हैं, सत्कर्म जो आप कर रहे हैं, तो हृदय प्रदेश क्या है, एक तरीके से जो मन है, जो मस्तिष्क है, वो क्या है, हम जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, बुरा कार्य कर रहे हैं, वो सब हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है, अच्छे कार्य कर रहे हैं या गंदे वो बुरे कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, अवलंबक कफ आपके सात्विक भाव को उत्पन्न करता है। अगर अवलंबक कफ आपका बिगड़ा हुआ है, हृदय प्रदेश अगर ये आपका बिगड़ा हुआ है, पित्त सॉरी कफ, तो ये क्या करेगा, आपसे बुरे कार्य को कराएगा, सात्विक भाव उत्पन्न नहीं कराएगा उस टाइम पे, ठीक है। ये जितने भी मैंने आपको इसके ये बताया ना कि आमाशय में है तो खाने का पाचन करेगा, अगर ये बिगड़ा हुआ है, असंतुलित है, तो ये खाने का पाचन नहीं करेगा, फिर उसको क्या करेगा, असंतुलित तरीके से खाना सही तरीके से नहीं पचेगा। जितने भी मैंने इसके कार्य बताए हैं, अगर ये पित्त असंतुलित है, तो ये सारे इसके जो भेद हैं कि जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है, ये इनके अपोजिट कार्य करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो अवलंबक कफ है, इसका ये कहाँ पे रहता है, स्थान है इसका हृदय प्रदेश, और ये क्या कार्य करता है, सात्विक भाव को उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आपका अवलंबक कफ बिगड़ा हुआ है, तो आपको क्या रहेगा, आपके जो आप सही तरीके से सोचे हुए नहीं, नेगेटिव आपके थॉट्स रहेंगे, आप बुरे काम करोगे, ठीक है। ऐसे ही अब आपका आता है बोधक कफ। तो बोधक कफ क्या है, ये आपके जीभ में, इसका जो स्थान बताया गया है वो जीभ बताई गई है, जीवा बताई गई है। तर्पक कफ क्या है, तर्पक कफ आपका सिर प्रदेश बताया गया है। और श्लेष्मक, जो श्लेषक आपका कफ है, इसका जो स्थान है ये आपका संधि बताई गई है, संधि यानी कि जोड़, जोड़ में जो भी हमारे फ्लूइड्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि वहाँ पर उस जॉइंट को यानी कि उस जोड़ को, उस संधि को क्या दे रहे हैं, एक गतिशीलता प्रदान करते हैं, एक मूवमेंट प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि आपके हाथ पैर सही तरीके से आप चल फिर पा रहे हो, ठीक है। अगर श्लेष्मक कफ की कमी होगी तो क्या होगा, सही तरीके से आप चल नहीं पाओगे, चाहे ज़्यादा बढ़े चाहे कम बढ़े, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जकड़न कर देगा, बहुत ज़्यादा फ्लूड हो जाएगा। किसी भी चीज़ की कमी और अति अच्छी नहीं होती है, तो हमें ज़रूरी है कि हम इन दोष को संतुलित रखें, और संतुलित रखने का जो तरीका है, अगर हम इन अपने दोषों को संतुलित रखना चाहते हैं तो हम क्या करें। हमने यहाँ पर पढ़ा कि कमी हो जाती है तो ये होगा, बढ़ जाता है तो ये होगा, लेकिन अब इनको संतुलित कैसे रखें। तो इनको संतुलित रखने का एक सही तरीका यह है कि आप अपनी दिनचर्या को, जो भी आपका आहार है, दिनचर्या, सबसे पहले अपनी दिनचर्या को संतुलित करें, ठीक है। अपने पूरे दिनचर्या में अनुशासन का पालन करें, अपने दिनचर्या को सही रखें, अपने आहार को सही रखें, डेली योग करें और स्वस्थ रहें, तो इससे आप अपने दोष को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आज का ये टॉपिक था हमारा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
थैंक यू।